दोस्तों आज हमारे पास क्रेटा आई है, तो उसमें हम क्या क्या डालने वाला है, क्योंकि हेडलाइट में वाइट लैंप भी डालने वाला है, उसकी फ्रंट ग्रिल है, ये जो फ्रंट ग्रिल है उसमें भी हम वो जैगुआर जैसी जो फ्रंट ग्रिल आती है वो भी हम डालने वाले हैं, उसमें ऊपर रूफ बेल नहीं है तो हम उसमें रूफ बेल भी डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि बम्पर उसको बाहर निकाल दिया, उसके बाद हमने दोनों हेडलाइट भी बाहर निकाल दी, इसलिए क्या है कि लैम्प बिठाने में भी आसानी होगी। उसमें लैम्प की सीरिंग है 9005 लगेगी। तो ढक्कन हमने ओपन कर दिया है, तो उसमें क्या है ये लिखा हुआ है, सॉकेट है वो भी हमने निकाल दिया, और ऐसे आसानी से उसका लैम्प भी बाहर 9005, यहाँ भी 9005 है, तो हमने इजीली उसका लैम्प भी हमने बिठा दिया है। पहला साउंड का है 9005 36 वोल्ट पे हमने डाला है, ये सॉकेट अटैच कर देंगे, सॉकेट टू सॉकेट से वायरिंग होगा, इसलिए कोई कंपनी की वारंटी भी नहीं जाएगी। है एक हेडलाइट लगा भी दी है, और अब दूसरी हेडलाइट में यही सेम ही प्रोसेस उसमें हम करेंगे। तो हमने उसका बम्पर से ग्रिल बाहर निकाल दी है, उसके अब हम उसमें ये ग्रिल नहीं डालने वाले हैं, हम उसमें ये वाली जो ग्रिल आती है वो हम डालने वाले हैं। उसका आगे से पूरा लुक भी बदल जाएगा, प्रॉपर लेवल्स की है, ग्रिल भी लगा दी है, उसमें वाइट लैंप भी लगा दी है, और प्रॉपर बम्पर भी हमने फिट कर दिया है। अब हम उसमें ऊपर के ट्रैक पे रूफ वेल लगाने जा रहे हैं, तो आपको वो भी आपको दिखाऊंगा। उसका रूफ वेल भी ऐसा कंपनी टाइप ही है, ये देखने में ओरिजिनल कंपनी जैसा ही है। तो हमने दोस्तों उसमें प्रॉपरली ग्रिल भी फिट कर दी है बम्पर के साथ पूरे की पूरी, और उसमें हमने क्या किया है कि DRL फिट की है, तो उसके साथ ऐसे यहाँ पे दिखेगी, तो रात में बहुत अच्छी लगती है। फिर हमने उसमें वाइट प्रोजेक्टर भी डाले, प्रोजेक्टर में लैंप भी डाले हैं, उसका प्रकाश भी बहुत बढ़िया पड़ रहा है। फिर हमने उसमें रूपवेल कंपनी जैसे लगे